सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को दी बड़ी राहत, जिला प्रशासन को जौहर यूनिवर्सिटी को छोड़ने के आदेश। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सम्मान में पीएम नरेंद्र मोदी ने किया विदाई रात्रि भोज, कई आदिवासी नेता हुए शामिल। दोनों सदनों में पांचवा दिन भी चढ़ा हंगामे की भेंट, कार्यवाही बार बार बाधित, सोमवार तक स्थगित। अग्निपथ योजना के विरोध में रेलवे को हुआ करोड़ों का नुकसान, रेल मंत्री ने सदन में बताया ये है आंकड़ा। 3 साल में दोगुना हुआ उड़ीसा का बजट, सीएम पटनायक बोले सस्ती स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना उद्देश्य। हाईकोर्ट ने किया साफ, नाबालिग से दुष्कर्म के बाद शादी करने के अपराध की गंभीरता कम नहीं होती। पीएम मोदी ने की हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत, 13 से 15 अगस्त के बीच तिरंगा फहराने की अपील। राजस्थान में 2 साल बाद होंगे छात्र संघ चुनाव, सीएम अशोक गहलोत ने किया ऐलान। मुंबई में स्वाइन फ्लू के मामलों में लगातार हो रहा इजाफा, डॉक्टरों ने लोगों को दी सलाह। रांची और नूह के बाद अब हाथरस में गाड़ियों की चेकिंग कर रहे दरोगा पर चढ़ाई कार, आरोपी अरेस्ट। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।